दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट की, एनालाइज करेंगे बिटकॉइन के चार्ट को, क्या सिनेरियो बन रहा है बिटकॉइन के चार्ट पर। बिटकॉइन में एक बार फिर से हमें एक डिप देखने को मिला है। क्या बिटकॉइन 40,000 USDT के सपोर्ट को ब्रेक करेगा या नहीं, और हम बात करेंगे बिटकॉइन मार्केट क्रैश के बारे में। रीज़न क्या है इसके पीछे जो इतना डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं coinmarket.com पर कि सभी की सभी मोस्टली टॉप 10 क्रिप्टोज में हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। इसके पीछे के रीज़न के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से हमारा वीडियो। सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं बिटकॉइन के डेली चार्ट को। अगर हम BTC के डेली चार्ट को देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं 52,000 USDT के टच करने के बाद से ही हमें कंटिन्यू डाउनफॉल देखने को मिला है। अभी BTC ने 40,000 USDT को टच करके थोड़ा बाउंस बैक किया। 40,000 BTC के लिए एक मेजर सपोर्ट एरिया भी है। इसके अलावा जो 100 डे मूविंग एवरेज की लाइन है जो आप चार्ट पर देख सकते हैं वो भी इसी सपोर्ट लेवल के आसपास है, इसलिए ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया बन जाता है। और अभी BTC ट्रेड कर रहा है 43,000 USDT के ऊपर। टोटल 20% के आसपास का हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। और अगर BTC 40,000 के सपोर्ट एरिया को भी ब्रेक करता है तो शायद हमें फिर से 30,000 USDT के लेवल BTC पर देखने को मिले। ये तो बात हुई दोस्तों BTC के चार्ट की। अब बात करते हैं आखिर ये क्रैश आया क्यों। तो इसके पीछे एक रीज़न है दोस्तों, US शेयर मार्केट और चाइना की कंपनी एवरग्रैंड चाइना की एक बहुत ही बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी है दोस्तों, जो अपने ख़त्म होने की कगार पर है। और ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी भी है दोस्तों, जिसकी वजह से अमेरिकन एक्सचेंज डाओ में हमें 972 पॉइंट का बड़ा ड्रॉप देखने को मिला और मार्केट करीब करीब 2% के डाउन पर क्लोज हुआ और एवरग्रैंड कंपनी का शेयर 10% टूट गया। कंपनी के ऊपर डेट यानी कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था, जो कंपनी के कलेप्स होने का रीज़न है। इसकी वजह से जो ग्लोबल रियल एस्टेट मार्केट है वहाँ भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हमें। इसके अलावा US पर भी डेट राइज का खतरा बना हुआ है, ये भी एक कारण है अमेरिकन मार्केट के गिरने का। अब बात करते हैं क्या इस डिप में हमें BTC को बाई करना चाहिए या नहीं, और बिग वेल्स और बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एल सर्वाडोर कंट्री जिसने क्रिप्टो को पूरी तरह लीगल कर दिया है, उनके प्रेसिडेंट का एक ट्वीट आया है। उन्होंने 150 बिटकॉइन ऐड किया है इस डिप में और उनके पास अब टोटल 700 कॉइन है। इससे आप समझ सकते हैं एल सर्वाडोर कोई कंपनी नहीं है दोस्तों, ये एक कंट्री है। वो भी इस डिप को एज अ अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं और बाय कर रहे हैं डिप्स में BTC को। इसके अलावा बिटकॉइन की जो माइनिंग है वो भी बहुत डिफिकल्ट हो गई है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, बिटकॉइन एक लिमिटेड सप्लाई कॉइन है जिसकी टोटल सप्लाई है 21 मिलियन और 90% के आसपास बिटकॉइन माइन किए जा चुके हैं। डिजिटल माइनिंग के लिए दोस्तों कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, जिसके लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, जिससे ये बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाती है। डिजिटल करेंसी की सबसे बड़ी एडवांटेज भी है ये, बट जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगती है माइनिंग के लिए डिफ़िकल्टी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और जितने ज़्यादा माइनर्स होंगे डिफ़िकल्टी माइन करने में उतनी ही ज़्यादा होगी। और जो माइनर्स चाइना गवर्नमेंट की वजह से प्रॉब्लम में आए थे, अब वो फिर से माइनिंग में आ रहे हैं अलग अलग लोकेशन से, जिससे आप इस चार्ट में देख सकते हैं BTC में हमें मैसिव डंप देखने को मिला है, बट BTC का जो हर्ष रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। ये भी एक बुलिश इंडिकेटर है दोस्तों मार्केट के लिए। इसके अलावा अगर आपने ट्रोन सोल और पोलकाडेट में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ मार्केट में निकल के आई है जर्मनी से। वेनेक टू ऑफर ट्रोन सोल पोलकाडोट ETNs इन जर्मनी। जर्मनी की कंपनी वेनेक दोस्तों अपने कस्टमर को डिजिटल ETF ऑफर कर रही है, जिसमें उन्होंने इन तीनों करेंसी सोल, ट्रोन और पोलकाडोट को इंक्लूड किया है। ये सब किया गया है दोस्तों कस्टमर की डिमांड को लेकर। ये क्रिप्टो होल्डर्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, जिससे आप समझ ही गए होंगे मार्केट में इतनी गिरावट क्यों आई हुई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।